गोरखपुर में बुधवार को 24 घंटे के अंदर केवल 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 20,780 पहुंच गया है। इनमें 20,171 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 337 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 272 रह गई है। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। बुधवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो महज 9 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में 4 मरीज, गोरखनाथ में 1, शाहपुर में 1, कोतवाली में 1 और राजघाट थाना क्षेत्र में 1 मरीज मिले हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 4 नए मरीज मिले हैं। इनमें खोराबार में 1, बड़हलगंज में 1, कुरुआ में 1 और पिपराइच में 1 मरीज मिले हैं। इसकी पुष्टि करते हुए CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।